माँ एक बाग बहिश्त दा बूटा ते माँ ओए ठंडी छां दर दर धक्के पैण उन्हां नू मर जै जिन्हां दी माँ। मेरा अज दा वाज उस बंदे नू शायद समझ ना आ सके जेदे कोल माँ और बाप वाली नेमत मौजूद है, उनू समझ नहीं आएगा। ओदे कोलों पुछो अज दा खिताब की बीती है कि जेदी माँ फौत हो गई, जेदे अब्बा जी अल्लाह कोल चले गए। इधर वेखना, माँ जैसा कोई नहीं। बोलो कीर कलां वाले हो, ग्रीन टाउन टाउनशिप तो पूरे लाहौर और मजाफा दूसरे अजला जो आने वालो, दसो जरा बोल के मां जैसा कोई नहीं। मां जैसा कोई नहीं। मां जिया गम खार ना कोई, ते ना कोई जाने अजमत मां दी। माजिया गम खार ना कोई, ते ना कोई जाने अजमत मां दी। किसे बाजारों किसे शहर विचों नहीं लभदी अजमत मां दी। उंज ते लखां हजारा ने रिश्ते तेरे जग उते, पर कोई रिश्ता नहीं मां दे साग वरगा। पुत्र भावे जमाने दा लख वली होवे, पर नहीं मां दे पिरां दी खाक वरगा। मां मां रुख जन्नत दे बाग विचों, साए उस दे बैठ के जी लिया कर। जेकर औजे कौसर दा मजा चखनाई, पैर धो के मां दे पी लिया कर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। दिल ही ठर गया सोने नबी दा नाम लियाए ते दिल नूं ठंडाई पै गईयां, दिलो दिमाग अंदर बहारां ही बहारां पैदा हो गईयां। मेरे प्यारे वीर सोने नबी दा नाम ही एडा प्यारा है, होंठ जप्पियां पांदे ने ते वख होण दा नां नहीं लैंदे। सुभान अल्लाह। वाला आली मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। हम्दु सना अल्लाह जल्ला जलालुहु वास्ते, दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा फख्र इंसानियत मुहसिन आदा, यानी दुश्मनों के भी मुहसिन, पत्थर मारने वालों को दुआएं देने वाले मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद रहबरो रहनुमा इमाम आजम पैगंबर आजम पूरी कायनात दे कायद आजम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम वास्ते, मेरे प्यारे 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 दोस्तों भाइयों बुजुर्गों मुअज्जजीन किराम और मेरी काबिल सद एहतराम माओ मुअज्जजात बहनों अजीज तलबाए किराम व तालिबात, अल्लाह दी बारगाह अंदर दुआ है कि मालिकुल मुल्क अपनी रजा रहमत नाल ए जुमातुल विदाए 2021 दा रमजानुल मुबारक दे महीने दा एदा की मतलब दोबारा जुमा नहीं आएगा। और जिन्हों तुसी विदा करदे हो दुनिया तो जान वाला, पिछले जुमे जिन्हां नू विदा कीता है खतीबे एशिया व यूरोप नू, वह भी दोबारा दुनिया से नहीं आन गए। यानी इस साल रमजानुल मुबारक दे महीने अंदर ए जुमातुल विदा दोबारा आएगा,
जुमा नहीं आएगा इस तो बाद की मतलब ए जुमातुल विदाए बस आखिरी जुमा इस महीने दा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे प्यारे वीर गौर फरमाना जरा जिन हस्तियां दे तज़किरे होण लगे ने अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बगैर तमीद दे बयान हुंदा टाइम एक सेकंड भी जाया करन वास्ते नहीं हुंदा जनाब दा कीमती टाइम। मेरी ख्वाहिश हुंदी है कि मैं उन्हूं तुहाडे एक एक सेकंड नूं कीमती तो कीमती बनाउण वास्ते हां जी हीरे कुरान और सुन्नत अनमोल हीरे तलाश करके ले आवां और जनाब दियां झोलियां भर दियां। हां जी तुसीं सालां दे साल ला के 20-20 साल लाओ शायद वो चीज़ां तुहानूं ना लभ सकन जिहड़ियां तुहानूं चंद मिनटां दे अंदर मिल जांदियां ने अल्लाह दी तौफीक नाल। सुनना जरा न्यू नॉलेज नाल अजमत मां वाला बयान इत्थे हर बयान मेरा नवे मुताले नाल और पूरी रिसर्च नाल इंशाल्लाह बयान हो रहा है दिन रात की मेहनत होंदी है। इधर वेखना जरा तवज्जो फरमाना ऐतां ते कुरान पाक दियां क़यामत तक ओह ही रहन गियां हदीसां भी ओह ही रहन गियां मगर तर्ज बयां रंगों को बदल देता है अक्सर। किसी अल्लाह वाले आख्या तर्ज बयां रंगों को बदल देता है अक्सर वरना जमाने की कोई बात नई बात नहीं होती। गल कुरान हदीस की इस स्टेज तो होगी लेकिन अंदाज उहदे चो इस्तंबात मुख्तलिफ हो सकता है। सुबहान अल्लाह इधर वेखना जरा अल्लाह सोने ने फरमाया वक़्ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या। फरमाया तेरे रब ने फैसला फरमाया है केदे रब ने रब्बू का सोने पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर वेख्या जे मेरे नबी नू खिताब खास हो रहा है हुक्म दे इतबार नाल ए आमे सारे आंदा रब ओ हो ये जड़ा रब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम फरमाते ने वक़्ज़ा रब्बू का तेरे रब ने फैसला फरमाया है अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्या। इबादत इबादत सिर्फ उसे अल्लाह दी अल्लाह दे अलावा किसे होर दी इबादत नहीं करनी यानी अल्लाह दे हकूक तो बाद पहले नंबर दा हकूक हकूक वाले बाद दे अंदर यानी हकूक सारे इकट्ठे करे जान हकूक अल्लाह ते हकूक इबाद इन्हां दे अंदर दूसरे नंबर दा मसला है। अर्श वाले फरमाया है वबिल वालिदैन इहसान फरमाया वालिदैन नाल चंगा सलूक करना है चंगे सलूक दा की मतलब जेड़ी चीज खान पीन पहनन वास्ते अपने बीवी बच्चों वास्ते पसंद करना है ओहो ओहो अपने अब्बे अम्मी वास्ते पसंद कीता कर ए मन वबिल वालिदैन इहसान इम्मा यबलुगन इंदकल किबारा अहदु इधर इशारे समझो मेरे अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फ वला तन्हरहुमा। ये तर्जमा जे जड़ा समझ आ गया इधर वेखना तेरे रब ने फैसला फरमाया कि वालिदैन नाल बेहतर सलूक करना है दोवां विचों एक या दोवें बुढ़ापे नूं पहुंच जाण उन्हां नूं उफ तक नहीं आखनी छिड़का नहीं मारनियां उन्हां नूं ऊहू तक भी नहीं कहना किधरे इंज ना होवे तू बूढ़े वालिदैन नूं छिड़का मारे वो बेबसी की तस्वीर बनते हुए आसमान वाले रब दे
सामने कूक ना मार देन। याद रखी लाहौरिया, अगर तेरे वालदैन ने तेरे को सते हुए ने आसमाना वाले रब दे सामने कूक मार छड़ी, फरियाद ला छड़ी, तेन ओए तोए होनी शुरू हो जाएगी। मंगन निकलेगा ते मंगदे नू खैर नहीं पैनी। वालदैन नू ना सतावी सोनिया, एवे तेनी मैं नायतां दा तर्जमा अपने जोड़ जोड़न नाल करदा रहा। एक वेरी मैं आख्या कदमा एटो जन्नत लभदी, मां नू छिड़के गल नहीं फबदी। कदमा एटो जन्नत लभदी, सीधे सीधे एवे सीधे सीधे जे बोल बेरबत बेजोड़। लेकिन अल्लाह सोना ये अंदर कोई तासीर पैदा फरमा देवे ते मेरे मालक दी मेहरबानियां। अल्लाह अकबर। मैं क्या कदमा हेठों जन्नत लभदी, मां नू जड़के गल नहीं फबदी। दिल दी आखियां नाल जे वेखे जन्नत दिसे मां विच रब दी। केडी है गम खारो बंदिया दुनिया ते, कर खिदमत रज रज मापियां दी, फिर लभनी नहीं हो बारो बंदिया दुनिया ते। कर मेरे ते इतबार तेनू आखा लख लख वारो बंदिया दुनिया ते। मां तेरी ले कोल सवाया, चुक चुक सीने उत्ते पाया, केडा कीता है मां ने प्यार बंदिया दुनिया ते। मावां जन्नत वालिया छावा दिन दिया शाम सवेर दुआवा, पुत्र भावे सारी रात गंदियां कंजरियां दे गाने सुनदा आवे, उन्हां दे नचार वेखदा आवे, डांस वेखदा आवे। मां ऐतल कुर्सी पढ़दियां होया दरवाजे नाल लग के रात गुजार रही है। इधरों दो अढ़ाई बजे इधर छिंदे दा खंगूरा वजिया, मां छट कुंडी खोल के सीने नाल चिमटा लैंदी है, कहंदी है वे मेरे लड्डू मेरे चल मेरे वीर मैनू तंग ना करिया कर। सोनिया नजर नाम मां दिया अंदर खलबदिया रहा ने, जल्दी आ जाया कर मां नू ना सताया कर। मावा जन्नत वालिया छावा दिन दिया शाम सवेर दुआवा, पुत बचा ले रब्बा मेरा मैनू दे तू मार बंदिया दुनिया ते। कर खिदमत रज रज मापिया दी, फिर लभनी नहीं हो बारो बंदिया दुनिया ते। कर मेरे ते इतबार तेनू आखा लख लख वार बंदिया दुनिया ते। इस वास्ते अल्लाह फरमाया उन्हां नू छिड़का नहीं मारनिया, उफ तक नहीं कहना। अल्लाह रल वसदियां मां बाप नाल गल बात करनी पै जांदी है, सिनाब को मशवरे करने पै जांदे ने, बोलना ते पैंदा है ना। अल्लाह उन्हां बोलां नू असी अदब ते एहतराम दे जुमले समझते रहिए, मत मां बाप की गुस्ताखी ना खो जाए। अरशा तो हां हां ए मकाम ही बड़ा हसास है, ए मकाम मकामे वालदैन ए बड़ा हसास मकाम है। अल्लाह ने मां बाप नाल बोलन दा बल भी अरशां तो कुरान बना छड़िया। अल्लाह फरमाया वकुल लहुमा, हुमा दो वास्ते जमीर दो नू दो अदद नू जाहिर करने वास्ते हुमा दी जमीर आंदी है। जिथे जिथे हदीसां दे अंदर हां जी या कुरान दियां आयतां अंदर जिहड़ियां मैं अज पढ़ांगा, जिथे जिथे हुमा आएगा इहदे तो मुराद वालिदैन होणगे, ठीक है, इहदे तो मुराद मां बाप होणगे। इधर वेखना जरा अल्लाह करीम ने फरमाया वकुल लहुमा, तर्जमा समझ आ रहा ना, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا। वाह कुरान, जेड़ा तेरा पढ़न दा अंदाज है ते तर्जमा भी उम्मीद आई। सुभान अल्लाह, करीम नरम नू कहंदे ने ना, नरम यानी नरम नरम बोलियां बोलनियां ने। हां हां अगर तेरे वालदैन, अल्लाह अकबर, अल्लाह मुशरक ते काफिर होण, फिर अल्लाह दा कुरान कहंदा फला तो तेरे हुमा,
अगर वह शिरक की दावत देंदे ने ते उन्हां दी गल ना मन फिर उन्हां दी अतात नहीं करनी। सुन लो अज एक मसला, अगर मुकाबला जाए अल्लाह दा ते वालदैन दा, पहले अल्लाह ते बाद अंदर वालदैन, अगर मुकाबला जाए रसूलुल्लाह दा ते वालदैन दा, पहले रसूलुल्लाह ते बाद अंदर वालदैन। ऐवें लोग वड्डे भरा भरा वड्डे भरा वर्गे दी रट लाई रखते ने, फलां कहिंदे ने वड्डे भरा वर्गा ना सोणिया, सारा जग रल के भी सोने आका जनाबे मुहम्मद वर्गा नहीं हो सकदा। एक वड्डा भरा कहंदे हो सारे जग दे वड्डे भरा मिल जान, सारे जग दे औलिया अल्लाह मिल जान, सारे जग दे अजमतां वाले माई बाप मिल जान, सारे दे सारे अंबिया मिल जान, सारे जहान मिल करके भी सोने आका जनाबे मुहम्मद वर्गे नहीं हो सकते। मेरे नबी ते अपनी मिसाल आप ने ना, इधर वेखो जरा, अगर वालदैन शिरक दी दावत देन ते फिर उन्हां दे आखे लाके रब नाल शिरक नहीं करना, अल्लाह दे नबी सोने दे हुक्म दी अदूली नहीं करनी, फिर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बात ही मुकदम होएगी ना। इधर वेखो, हर एक दी अतात मशरूत है, हर एक दी अतात मशरूत है। मेरे प्यारे महबूब, आमना दे लाल दी अतात गैर मशरूत है। बस इतात ही करनी, कोई शर्त नहीं, फलां चीज इंज होवे ते इंज करना, इंज होवे ते इंज करना, इंज होवे ते इंज नहीं करना, नहीं इस तरह नहीं, बस जो मेरे नबी दा फरमान होवे ते बस, बगैर किसी शर्त दे, बगैर मशरूत दे बंदा गर्दन झुका देवे, उते अतात और फरमा बरदारी करे। जी मेरे प्यारे वीर, इधर वेखना जरा गौर फरमाना, अल्लाह करीम ने फरमाया है वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगे कमाला ही कर दी अर्श वाले इला ने फरमाया वख्फिज लहुमा जनाहज़ुल वाह कुरान वाह, तेरी आजमतां तो कुर्बान जाइए। अगर इस जुमले का तर्जमा आंदा हुंदा तो सारियां एक बारी जाना तड़प सी के दे बयान की हो गया है। इधर वेखना, अल्लाह फरमाया वख्फिज़ लहुमा जनाहज़ुल मिनर रहमा, उन्हां दोआं वास्ते नरमी दा बाजू झुका देना है, जिवें जिवें तेरा बामी आखदे जान करदा चला जा, जिवें जिवें राजी रहना चाहन राजी रखदा चला जा, जिवें जिवें मनना चाहन उन्हां नूं मनांदा चला जा। अगली बात मैं बजा कर चुकिया, अगर अल्लाह दे नाल शिरक दी दावत फिर वालदैन दी अतात नहीं करनी। हाँ, दुनिया दे मामले दे अंदर तेरे मां बाप मुशरक ते काफर क्यों ना होन, कुरान कहंदा जे कुरान वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा। फरमाया उन्हां दोआं दे नाल काफर ते मुशरक वाले दैन दे नाल दुनिया दे मामले अंदर मारूफ सलूक करना है। मारूफ चंगे नूं कहंदे ने, मारूफ अरबी अंदर चंगे नूं कहंदे ने, चंगा सलूक करना है माँ बाप नाल। जी मेरे प्यारे वीर, इधर गल समझ जरा गौर नाल, एक बच्चा सारी जिंदगी वालदैन दियाँ फरमा बरदारियाँ कीतियाँ, सारी जिंदगी माँ बाप दे सामने अखां उठा के अखां च अखां पा के गल नहीं कीती, नीवियां पा के नजरां झुका के माँ बाप नाल हौले हौले बोलता रहा, कदी झिड़क नहीं मारी, सारी जिंदगी अतात और फरमा बरदारी अंदर गुजारी। हाँ हाँ, एक बच्चे ने अपने बूढ़े वालदैन मोढ़िया ते चुक के हज भी करवा लै, बीमार वालदैन दे पेशाब पखाने अपने हत्थां नाल धो छड़े, क्या हक अदा हो गया है। अरशां तो आवाज़ां दिए नहीं बंदे नहीं, अजे तक मां दी एक रात दी तकलीफ दा मुल नहीं मोड़िया, बाप ने जड़ा सप्पां दियां सिरियां मिधियां, जनाब एवें पानी लाए खेतां नूं और जनाब ओवर टाइम लाए फैक्ट्रियां दे अंदर, एक रात दा मुल नहीं मोड़िया, अल्लाह हक अदा किवें होएगा। अल्लाह ने फरमाया वल मैं दस देना, कुरान दा जुमला मैं उतार देना, वजीफा तू बना लवी ते मुल भी मैं आप ही मोड़ देंगा।
वाह 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 अर्श वाले आ अल्लाह सोना केडे प्यारे अंदाज नाल अल्लाह फरमांदा है अल्लाह केडा सोना अंदाज बनाया सोनिया अल्लाह अकबर फरमाया अल्लाह करीम ने कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा बंदिया तेनू इत्थे तेरा बचपना याद करवाए तू छोटा जिन्ना तरस तेरे वालदैन आंदा सी तेनू भुख लगती सी तरस तेरे वालदैन आंदा सी प्यास लगती सी तरस तेरे वालदैन आंदा सी अज हुण बूढ़े हो गए ने खिदमतां कीतियां सारी जिंदगी आ कल्ला सोणिया मेरे तो फिर भी हाका दा नहीं होया मामला तेरे सपुरद करना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह जिमें बचपने के अंदर उन्होंने मेरे से नरमियां कीतियां अर्श वाले हुण मैं भी दुआ करना मेरे अब्बे अम्मी ते रहमतां दे ट्यूबवैल चला दे अल्लाह अकबर अल्लाह जी 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 इस वास्ते ते मैं अर्जा ला रहा मेरे प्यारे वीर और ते कर अल्लाह ने फरमाया इंज आख्या कर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा बुखारी शरीफ दी हदीस समात फरमा लो मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम अंदर भी मौजूद है सही बुखारी अंदर भी हदीस मौजूद है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान कर देने रजी अल्लाह तआला अन कहंदे ने मैं प्यारे नबी को पुछया किन्ने पुछया अब्दुल्ला बिन मसूद ने रजी अल्लाह तआला कहंदे ने मैं प्यारे नबी को सवाल किया सुनया सारे अमलों नालों अफजल तरीन अमल केड़ा है मेरे नबी ने फरमाया पांच वक्त ओदे वक्त दे मुताबक वक्त पर नमाज अदा करना पांच वेले दी नमाज वक्त ते अदा करना सारे आमाल चो अफजल तरीन अमल जिन्हों असी आखरी आखरी दर्जा दिता हो है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते ने हजरत दे बाद फिर दूसरे नंबर ते केड़ा अमल अफजल है प्यारे नबी ने फरमाया वालदैन नाल चंगा सलूक करना सोनिया तीसरे नंबर ते दे बाद फरमाया अल्लाह दी राह अंदर जिहाद करना सुभान अल्लाह जी मेरे प्यारे वीर सही बुखारी और मुस्लिम दी हदीस है मेरे तेरे प्यारे नबी दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला बयान करदे ने कि एक बंदा मेरे नबी को ले आया कहंदा हजूर सारे लोगों चो सब तो ज्यादा हक खिदमत दा केदा बनदा है अल्लाह दे नबी फरमाया तेरी मां दा हजूरे दे बाद केदा फरमाया तेरी मां दा हजूरे दे बाद केदा फरमाया तेरी मां दा हजूर एदे बाद केदा ते चौथी वारी फरमाया तेरे बाप दा खिदमत दे चार हिस्से तीन हिस्से मां दी खिदमत चौथा हिस्सा बाप दी किस्सा खिदमत हो गई यानी गल समझो मेरे प्यारे वीर खिदमत ज्यादा मां दी मर्तबा ते मकाम ज्यादा बाप दा मां दी खिदमत ज्यादा क्यों करनी है वेखो सारा दिन खाने पकाए अपने शौहर दे कपड़े धोते जनाब ओदे खाने पकाए अपने बच्चियां दे अलग अलग उन्हां दियां डिमांडा जी कपड़े धो करके इस्त्री करके बाऊ बना के यूनिफार्म बना पहना करके स्कूल अंदर खिलाया इवें ते जनाब मां सारी रात सारा दिन लगी रही नुकरानियां तरह रात नूं कोई छोटा बच्चा बीमार हो गया है बाप जितना मर्जी थकिया मां दा आया होवे परानू जनाब परा हो के चार पाई डा के नींद पूरी करेगा मां पांच पांच मिनट बाद बच्चा उड़दा है ते पांच पांच मिनट बाद ही जागदी है जदों बच्चा चिल्लांदा है इवें हाथ मारदी है कलेजे ना ला लैंदी है ते मां ना सुतियां चो ना जागदियां चो ना जिंदियां चो ना मरिया होया चो मां ते तेरी खातिर मुसीबतां उठा उठा करके बीमार हो गई कमजोर हो गई उहदी कमजोरी दी वजह करके ओदियां बीमारियां दी वजह करके ओदी खिदमत ज्यादा करनी है मर्तबा ते मकाम ज्यादा बाप दा
गल समझो, नोट कर दे जो मेरी बातों। जी जी मेरे प्यारे वीर, एक होर गल देने चाहिए, तेरी जन्नत तेरी मां दे कदमा हेठ। मैं वह भी अदी सुना ना जे कि बाप दे कदमा हेठ भी जन्नत है, वह भी तो सुनो ना अदीज। अलगरज तेरी जन्नत तेरी मां दे कदमा हेठ, जिहड़ा पहले जुमला मुस्तमेले ना इनू याद कर लो, ये अंदर शक कोई नहीं। तेरी मां दे कदमा हेठ तेरी जन्नत, क्यों जी बोल, तेरी जन्नत तेरी मां दे कदमा हेठ, तेरी ते तेरी मां दी जन्नत है जी तेरे बाप दे कदमा हेठ। क्यों जी, जेड़ी औरत तेरी मां अगर तेरे बाप दी खिदमत नहीं करेगी, उन्हें राजी नहीं करेगी, अर्श वाला राजी नहीं होएगा, जन्नत नहीं मिल सकती। गल समझो, एक जगह ते दुनिया नू बन दो बन दो, सोने इश्तेहार इश्तेहार पैदा ना जनाब, इवें जी इतफाक तो हट करके जनाब इवें इंतशार पैदा ना करो, बल्कि इतिहाद इतफाक दी बात करो। अल्लाह अकबर, इस वास्ते ते अर्जा लाइया मेरे प्यारे वीर, गौर ते फरमाना। ए मां, मां कहती है मां की पुकार तो सुनते जाना, दो चार जुमलों में कहती है मुझे मुझे उस मासूम बेटे की तलाश है, जो एक दिन एक कारी साहब का खतीब का खिताब सुन करके घर आया और घंटों रोता रहा, बार बार पूछ दी। मां कहती है मैं बार बार पूछ दी, लेकिन वो था कि रोता ही चला जा रहा था, और जनाब हिचकियां रुकी तो कहने लगा, मां मां आज मैं मस्जिद में गया, हमारे कारी साहब ने दो हदीसें बयान की हैं, उन्होंने दो हदीसें बयान की हैं, मुझे तो रोना आ रहा है। मैं कहता हूं कैसे अमल होगा, एक मुस्लिम शरीफ दी हदीस, प्यारे नबी ने फरमाया, खाकलू नाक खाकलूद हो, नाक खाक अलूद हो, जुमला बोलिया जांदा सी, नाक खाक अलूद हो, यानी वो बंदा हलाक हो जावे, बर्बाद हो जावे। के जनाब जेदी जिंदगी दे अंदर जिन्ने जिस बंदे ने अपने वालदैन नू बुढ़ापे अंदर पाया, उन्हां दोआं चो एक नू या दोआं नू, मेरे नबी ने तीन बारी लफज बोले, नाक खाक अरूद हो, नाक खाक अरूद हो। एदे बाद फरमाया, ओ बंदा के जिन्ने जिन्ने अपनी जिंदगी दे अंदर मां बाप दा बुढ़ापा पाया, यानी दोआं चो एक या दोआं नू बुढ़ापे अंदर पाया, ते उन्हां दी खिदमत करके जन्नत ना जा सकिया, जन्नत ना जा सकिया, ओ बंदा खलाक, ओदा ओदा नाक खाक अलूद, ओ बर्बाद हो गया। और नाल कहंदा खतीब ने भी दिया के है ना, बुखारी शरीफ दी हदीस है, शिरक दी तरे मां बाप दी ना फरमानी भी कबीरा गुनाह है, जिमें तौबा तो बगैर शिरक जैसा गुनाह माफ नहीं होना, इवें तौबा तौबा तो बगैर, माँ बाप की खिदमत की थी बगैर, तौबा तो बगैर ये माफ नहीं जे होना गुनाह। अलगरद मैं जसदा जे माँ कहती है बच्चा सी ना, इतनी बात कहती है, कहता कहता बच्चा कह रहे माँ ये बात मैनू रुला रही सी कि वालद है वालद मोहतरम ते पहले ही दुनिया तो चले गए, हुण इक तूं तेरी भी सही खिदमत मेरे तो नहीं हो पा रही। अम्मी अम्मी अल्लाह अकबर, मां कहती है मैनू इहो जे उस बेटे दी तलाश है जिहड़ा अल्लाह दे हजूर गिड़गड़ा के आंसू
सुबह के हाथ उठा के आके अगर दासी रब्बिर कमा रब्बयानी सगीरा। मैनू उस मेरे पुत्र ते बेटे दी तलाश है जेड़ा आखदा सी रब्बिग़फ़िरली वाली वालिदैया रब्बिग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। मैनू तो उस प्यारे जे बेटे की तलाश है ना, कहती है जदों जदों मेरा बच्चा थोड़ा जहा जनाब इवें चलन फिरन वाला होया तो मैनू अदी फिक्र लायक होगी। हर माँ ही कह जाती है ओदा बच्चा किसे ओदे ते पहुँचे बड़ा आदमी बने। माँ कहती है मैनू डर सी कि मेरा 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 यतीम बेटा किसे दे सामने हाथ फैलाएगा तो मैं फिर तहिया कर लिया कमजोरिया के बावजूद कमर कस ली ते मजदूरियां शुरू कर दितिया लोगों के घर के बर्तन मांजने भांडे मांजने शुरू कर दिते लोगों के कपड़े धो के नुकरानी लग गई लोगों की। अपने बेटे की कामयाबी वास्ते दिन रात एक घर छड़े आए कहती है मजदूरियां करती रही बेटे नू पालती पोसती रही बेटे नू पढ़ाती रही बेटा पढ़ गया ते उनू कामयाबी मिल गई जॉब मिल गई नौकरी मिल गई है बड़ी खुश हुई। कहती एक ख्वाब ते मेरा पूरा हो गया है और दूसरा ख्वाब उन बेटे दी शादी दा सी वो भी एक दिन आया कि जनाब अपनी बहू नू विआह करके ले आई अपने बेटे दी दुल्हन नू ले करके घर आ गई है ना और जनाब इवें गम चले आई है थोड़ा जहा। इधरों अचानक ऐलान हो गया कि लोग जिथे अपनी जॉब करनगे नौकरी है उथे अपनी फैमिली समेत रहना होएगा इस घर नू छोड़ना होएगा। जबकि मां कहती है नवे कानून के मुताबिक मां फैमिली अंदर शामिल नहीं मां उथे नहीं जा सकती मां इस घर च कली रहेगी। बस कहती है ऐलान होने की देर मेरे सारे दे सारे ख्वाब चकना चूर हो गए। हुण ते मिसकीनी दी जिंदगी गुजार रही हाँ। कहती है बेटा कदी कित ज्यादा ज्यादा लाचार हो जावा ते बेटा ते ओदी ओदी बीवी मेहमाना तरह आते ने घंटा दो बह के टुर जाते ने। मां फिर कली उन्हां दे चेहरे वेखण तो तरस दी है कहती है मां कहती है मुझे उस अपने मासूम बेटे की तलाश है वो बेटा कहीं मुझे मिल जाए मैं की करना दुनिया दिया दौलतां ते कोठियां नू ऐ कली नू ते घर वड वड खांदा है मैं की करना इसनू जे मेरा बेटा नजर ना आवे। अलगरज लोगो बातां लंबियां ना हो जान तबरानी शरीफ दी हदीस ए रिजालो सिखातुन एदा मतलब ए दे सनद अंदर जेड़े रावी ने ओ जेड़े बिल्कुल पक्के ने सिखातुन रिजालो सिखातुन एदी सनद दे रावी पक्के ने हजरत जाहिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह दे नबी दी खिदमत अंदर आदरों के अर्ज करता है सोने मैनू जिहाद की इजाजत दे दो। मेरे नबी ने फरमाया अलक वालिदैन क्या तेरे वालिदैन मां बाप मौजूद ने। अल्लाह अल्लाह ते जनाब निसाई शरीफ की हदीस अंदर कली मां का भी तज़किरा आंदा है वह भी सही है सनद ओदी भी हसन सही है। जनाब सुने जे जरा मेरे नबी ने फरमाया अलक वालिदैन क्या तेरे वालिदैन मौजूद ने। सहाबी कहंदा जी जी हजरत जाहिमा रजी अल्लाह तआला नर्ज करदे ने जी जी मेरे वालिदैन मौजूद ने। आका ने फरमाया इल्ज़म फइन्नल जन्नत तहत अरजुलीमा
ਉਹਨਾਂ ਦੋਆ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਪਕੜ ਲੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਸਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਲ ਜ਼ਮ ਫਇਨ ਅਲ ਜੰਨਤ ਤਹਿਤ ਰਿਜਲਈਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਪਕੜ ਲੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ ਰਿਜਲਈਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਹੇਠ ਜੰਨਤ ਨਾ ਨਾ ਰਿਜ ਲਈ ਹਾ ਤਸਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲਿਆ ਦੀ ਸੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਿਜ ਲਈ ਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜੰਨਤ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਸੱਜਾ ਹੋਵੇ ਖੱਬਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦਮ ਉੱਠੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੱਥ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਜਾ ਤਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲਡਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਕਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਨਾ ਆਖਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੋਲੋ ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਸਨਦ ਇਤਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਰਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਏ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਢੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਮ ਉਮਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਈਆਂ ਸਾਹਬਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿਮਟ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਪਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਲਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਧਰੋਂ ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਤ ਕੱਜਣ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਲਾਈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੇਠ ਵਿਚਾ ਛੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ
अम्मी है चादर सवा लख कमोबे जितने भी अंबिया आए किसे दूसरे नबी नू बतौरे पग दे भी नसीब ना होवे एदे ते मेरी मां दे कदम आन गए। मेरे नबी आप नंगी जमीन कच्ची ते बैठे रहे अपनी मां नू अपनी चादर ते बिठाया। लोगों मसला समझ आया सारे जग नू अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है सारा जग नबी दी इज्जत करे और नबी नू अल्लाह ने हुक्म दिता अपनी मां दी इज्जत करे। समझ आ गई ना। इधर वेखो कुरान के हवाले नाल भी थोड़ा जा टच सुन लो मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सोने नबी भी कुरान दी ऐसा पढ़ते ने ना हर कोई पढ़ेगा आतना जा तालिब इल्म अज तुहाडी इस मस्जिद का खतीब कारी मुहम्मद याकूब अर्ज करेगा। इधर वेखना हजरत ईसा अलैहि सलाम की मां का तज़करा कुरान कहता है वज़कुर फिल किताब मरियम जिक्र होन लगे है किताब अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दा हजरत मूसा दी अम्मी दा इज़िन तबाज़त मिन अहलीहा मकानन शर्कीया जदो हजरत मरियम अपने घर दे मशरकी किनारे दे अंदर होइयां फत्ता खजत मिन दूनिहिम हिजाबा परदे अंदर हो गईयां फअरसलना इलैहा रूहना فتمثل لها بشرا سويا वाह कुरान तेरियां बहार अनोखियां। जी 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 हमें जनाब अल्लाह का फरिश्ता आया आके कहता है पर जनाब अल्लाह का फरिश्ता आके कहता मरियम मरियम हाँ जी इवें इंसानी शक्ल अंदर सामने आया जो ही सामने होया हजरत मरियम परेशान हो गई गैर मार बंदा कि मेरे सामने आ गया अज नबी बंदा आ गया है मुँह ते पल्ला करके कहदिया ने कालत أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا मरियम कैदिया ने दुहाई दुहाई अल्लाह दी बना तू जितना भी नेक मुत्तकी परहेजगार होएगा हाजी साहब होएगा मैं शक नहीं करती नमाजी भी होएगा अल्लाह दा वली भी होएगा मुत्तकी परहेजगार हजरत कारी साहब अलामा साहब भी होएगा हाजी ते नमाजी भी होएगा मगर मैं तेरे नेक होने अंदर शक जरा बराबर नहीं करती असूल असूल ही होया करते ने أعوذ بالرحمن मैं अल्लाह की पनाह अंदर आनी है रब की पनाह दुआई दुआई रब की पनाह। आहा मौलाना अब्दुर्रशीद मुजाहदाबादी हाफिज़हुल्लाह ताला एहो जे लोगों की कदर करया करो हुण कारी अब्दुल हफीज़ नू मेरे उस्तादा नू रहमतुल्लाह अलैह खतीबे एशिया नू लब्बो ते लब सकदे ने सारा जान वेच के भी तुसी खतीब एशिया नहीं लभ सकते इहो जे अल्लाह दे वलियां दी कदर करया करो। सुने हो अलामा एहसान फरमाया करदे सन अहले हदीस हो अहले हदीसन मुखातब करके तुम मुर्दों की पूजा करने वाले लोग हो जिंदगी में किसी को नहीं मानना जिस दिन फौत हो जाता अखा मीचियां जांदियां ने ते वली हर कोई कहंदा अल्लाह दा वली सी अल्लाह दा वली सी अल्लाह दा पहले कोई समझे ही नहीं पहले तो बदमाश ही पता नहीं की सी की नहीं क्यों जी तेरी नजर उस दिन तो बाद फिर अल्लाह दे वली दी चिट हर बंदा ही देने वास्ते तैयार हो जाता है। जिंदगी च कदर करो सोने हो अल्लाह मौलाना अब्दुर्रशीद मुजाहदाबादी फरमाते ने कि जबरील नू एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछया कि सोने जबरील सोने जदों मरियम ने अल्लाह की पनाह चाहद हो तेनू आख्या इन कुन ततिया तेरी की कैफियत सी हज़रत जबरील कहंदे ने मैं परां नूं मूंह करके नज़रां झुका के मरियम वल कंड करके नीवियां पा के खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर मेरी रूहानी माँ ते बहन इज्जतां वाली बापरदा शर्मा ते हयावां वाली मेरी बेटी रूहानी ओ तेरे पर्दे दी तेरे हया दी कदर ते अल्लाह दे फरिश्ते भी करदे ने। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
हजरत जिब्रील परानू मुंह किते होए दीवार बल्ले मुंह किते होए ते नजरा झुकाए और बोले कहने قال انما انا رسول ربك मरियम परेशान ना हो मैं तेरे रब दा सुने ही आया अल्लाह दा पैगाम ले करके आया قال انما انا رسول ربك لأغب لك غلاما زكيا अल्लाह कहता मैं तेनु पाकीज़ा बेटा देन लगे हाँ हाल गरज जदो बात लंबी हो जाएगी वक्त मुक गया है जदो जनाब हजरत प्यारे ईसा अलैहि सलाम नू उन्हां दी मां लैके लोगों के सामने हुई अल्लाह फरमाया सी चुप दा रोजा तू रख लवी बच्चे वाल इशारा तू कर देवी असी जानिए ते साडा कम जाने लोग कहते ने मरियम की लोड़ा मारे आई कालू या उख्त गारूल मा कान अबूक इमरा सवी वमा कानत उम्मुक बगिया मरियम कहदियां ने मैं चुप दा रोजा रखिया होया है इधरों जनाब लोग हाक बगोला के कहंदे ने मरियम मा कान अबूक इमरा सवी वमा कानत उम्मुक बगिया मरियम ने इशारा किया है ना फअशारत बच्चे वाले इशारा किया लोग होर गुस्से चोए कहने कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया मरियम माज़ अल्लाह इक ते बुराइयां देर तक आप करे कवारी मरियम बच्चा जो चुकी फिर नहीं है ते एक बुराइयां देर तक आप करनी है दूसरा साढ़े नाल मजाक करनी है दुध पींदे बच्चे भी कदी बोले अल्लाह ने फरमाया ईसा मेरे बंदे ईसा तेरी माँ की अजमत हरफ आ रहा है बोल बोल माँ की अजमत अंदर जिमें मेरे शायद अम्मी ऐशा दी अजमत आंदे फुरेरे लहरांदे लहरांदे अम्मी ऐशा दी अजमत दा पास करदे करदे दिफा करदे करदे अपनी अम्मी कोल उसे तारीख नू चले गए सतारा रमजान नू अम्मी दी वफात सतारा रमजान नू मेरे मेरे शखती बेशिया वा यूरोप दी अब वफात अल्लाह अकबर के वो जिया नस्बत रलाइया अल्लाह करीम ने अलगरज हजरत मरियम इतनी बात कहदियां कहदियां ने इशारा ही कर दिया ने अल्लाह फरमाया मेरे ईसा बोलता क्यों नहीं दो दिन दा तीन दिन दा बच्चा दूध पींदा छोटा जिहा बच्चा एक दिन दा होएगा दो दिन दा होएगा बच्चा बोल पिया कहंदा قال عبد الله आतानी अल किताब वजालनी नबिया कहंदे ने लोगों मैं अल्लाह दा बंदा अल्लाह ने मैनू किताब दिती है मैनू अल्लाह ने नबी बनाया है अल्लाह ने फरमाया मां दी अजमत अंदर बोल क्यों जी कहंदे ने काला इन्नी अब्दुल्ला अपना तारफ करवाण लग गए मैं अल्लाह दा बंदा आतानी अल किताब अल्लाह ने मैनू किताब दिती वजालनी नबिया मैनू अल्लाह ने नबी बनाया ये मां की अजमत तो नहीं लभदी जाहरी तौर पर लेकिन अगर थोड़ी जी गहराई बने जाइए तो लभदी है इधर नबी नजीब उत्तर फैन होया करते हैं हजरत आदम तो लैके मेरे नबी तक अल्लाह ने लड़िया ही पाक बनाई अम्मा हवा तो लैके मेरे नबी दियाँ मावं नबिया दियाँ मावं नबियों दियाँ धियाँ तो नबिया दियाँ बीवियाँ अल्लाह ने पाक बनाइया ने करैक्टर दियाँ पाक बनाइया ने सुबहान अल्लाह हजरत ईसा कहते रहे मेरी माँ के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले हो अपनिया जबाना बंद कर लो मेरी माँ पाक है दलील की है वाजा आला नी नबी या मैनू अल्लाह ने नबी बनाया नबिया दियां मावां पाक होंदियां ने नाले अगली आयत अंदर कहंदे ने वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंतु वऔसानी बिस्सलाति वज़कति मा दुमतु हय्या मैं जिथे किते भी होवां अल्लाह ने मेरी इज्जत बढ़ाई प्रोटोकॉल मेरा वीआईपी मुकाम मेरा हर जगह ते टौर मेरी हजरत ईसा कह रहे ने इहदे बावजूद भी वबरं बि वालिदती
ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ। ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਬਦ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਢਲੀ ਹੋਈ, ਤਹੱਜਦ ਪੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੇ ਜੁਰੈਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੁਰੈਜ ਨਮਾਜ਼ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਦੌੜਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜੁਰੈਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਜੁਰੈਜ, ਬੂੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਾਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਅਸਮਾਨ। ਤਾਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬਦਕਾਰਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਲਤ ਹੈ ਹੀ ਤਾਲਕ ਜ਼ੁਲੈਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੁਰੈਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਦਫਾਓ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੜ ਰੱਖੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨਾਲ ਛੇੜੂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਣਿਆ ਨਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸ ਕੁਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰੰਨ ਦੱਸ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਜੁਰੈਜ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਲੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ 'ਤੇ ਜੁਰੈਜ ਲੋਕ ਮੰਚਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਗਲਮਤ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇਰੀ ਵਲਾਇਤ, ਵੱਡਾ ਵਲੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਧੱਜਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਇੰਜ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾਲ ਧੱਜਦਾਂ ਵੀ ਪੜੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੁਰੈਜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਗਰ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਧੱਜਦ ਵੀ ਪੜੇ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜੁਰੈਜ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਏ ਮੈਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਟੀ ਬਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਛਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੁਰੈਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਲੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਫੁਲਾਂ ਅੜਿਆਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਛੇੜੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਲੋਕ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫੜ ਲੈ ਪੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਮੰਨੀ ਪਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਰਕ ਅਤੇ ਜਾਹਿਲ ਜਹੰਨਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਾਬਦ ਖਾਨਾ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀਏ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਰੈਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਇੰਨਾ ਖੈਰੁ ਤਾਬੇਈਨ ਰਜੁਲੁਨ। ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜਲੀਲੋ ਕਦਰ ਤਾਬੀ ਏ, ਯੁਕਾਲੁ ਲਹੂ ਉਵੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਉਵੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਲਹੂ ਵਾਲਿਦਾਤੁਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਆਹਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਫੁੱਲ ਬੈਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਵਾ। ਲੰਬੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਏ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੂੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਬੂੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਸਿਹਾਬੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਧੁਮਾਂ ਪਾ ਤੀਆਂ ਉਵੈਸ ਦੀਆਂ। ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
कि इंज इंज का एक इंज इंज का उवैस करनी है, तो उवैस ओदी एक मां भी है। ये तो एक मां कहो प्यारे नबी ने, मां मेरी भी है, मां तेरी भी है, लेकिन मां ओदी जड़ा मां का फरमा बरदार है। क्यों जी? हजरत उमर गए हज तो बाद तलाश करके, आप चल के अवै उवैस करनी को गए, तो वेख्या तो फुलबैरी के निशान उत्थे उत्थे जिथे प्यारे नबी ने फरमाया सी जनाब, बाकी सारा जिसम सैट हो गया मां की दुआ नाल। है जी, सिर्फ एक दो निशान अल्लाह ने बाकी रखे कि उदी एक मशहूरी उदा एक नाम सी। तो जनाब है जी, हजरत उमर जाके कहंदे ने अवैस उवैस साढ़े वास्ते बख्शे की दुआ कर। हजरत उवैस रोन लग गया, कहंदे ने किथे मैं रुलिया बंदा जिहड़ा कोड़ी मुल नहीं, एक जर्रा बराबर वकार नहीं, कित्थे तुसी अमीरुल मोमिनीन, कित्थे तुहाडियां शाना, तुसी दुआ करो, असी आमीन कहने आ। ते हजरत उमर कहंदे ने उवैस अल्लाह दे नबी ने आख्या आसमान वाले ने तेरा नां लैके वही कली है मेरे पाक मोहम्मद। बस फिर अवैस दियां चीखां, अवैस दियां सिसकियां, रोन लग गया। अच्छा अल्लाह दे नबी ने आख्या सी, बस रोंदे रहे, हाथ चुक लै, दुआ हुंदी रही। सहाबा भी हजरत उमर दे नाल सन जिहड़े, सारे कितनी देर तक आंसुआं दा समा जारी रहा। ऐ जे अजमत मां अल्लाह ने बनाई है ठंडी छां, रब के सिवा कोई दाता नहीं, मां जैसा कोई नाता नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु।